नमस्कार, आप सभी लोगों का यूसर के विज्ञान स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आज हमारे मध्य में प्रोफेसर उमा पालनी, जो कि पूर्व में बॉटनी वनस्पति विज्ञान की विभाग अध्यक्ष रही हैं, वो यहाँ पे एल्गी के बारे में आप लोगों को बताएंगी। इससे पहले भी मैडम ने आप लोगों को एल्गी की क्या हैबिटेट्स होती हैं, उनके क्या करेक्टर होते हैं और किस तरह के वास स्थान में वो रहती हैं उसके बारे में आपको बताया था। आज मैडम शैवाल एल्गी के बारे में, उनके रिप्रोडक्शन कैसे उनमें होता है और किस तरह से वो मल्टीप्लाई करते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस तरह की अलग अलग किस्म की एल्गी होती है उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगी। मैडम, हम आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं स्टूडियो में और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे विद्यार्थियों को जो आज की हमारी कार्यक्रम की जो श्रृंखला है उसको आप आगे बढ़ाएं। थैंक यू। नमस्कार। आज प्लांट किंगडम के प्रिमिटिव ग्रुप एल्गी के बारे में आगे की श्रृंखला में हम डिस्कस करेंगे एल्गी में रिप्रोडक्शन। पूर्व में हमने एल्गी की हैबिट और हैबिटेट को डिस्कस किया है, उनके बारे में कि एल्गी कहाँ रहती हैं, किस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। उसके आगे हम जब रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो एल्गी में डाइवर्सिटी रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी दिखाई पड़ती है। ये इतने छोटे प्लांट होते हुए भी जो कि आँखों से क्लियर दिखाई नहीं पड़ते हैं, पानी में रहते हैं या मॉइस्चर वाली जगहों पर रहते हैं, इनमें कितना बड़ा कितनी बड़ी इनकी दुनिया है रिप्रोडक्शन के लिए भी, ये आज आप देखेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों एल्गी में ज़रूरी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के परपिचुएशन के लिए, अपनी जैसी प्लांट को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें, ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स के केस में, उनमें एक ही मेथड रिप्रोडक्शन का होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन प्लांट्स के केस में, वो भी लोअर प्लांट्स के केस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा कई मेथड्स रिप्रोडक्शन के हैं जो अभी आप आगे देखेंगे कि कितना तरह तरह का उनमें डाइवर्सिटी है। इतने छोटे प्लांट्स होते हुए भी, प्रिमिटिव प्लांट्स होते हुए भी, वो अपना कोई ना कोई तरीके से अपनी तरह की प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन हम देखते हैं एल्गी के केस में तीन तरह का होता है। नंबर वन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलावा दूसरा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन तीन रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जो कि एल्गी की पूरी लाइफ साइकिल में किसी भी समय, उसका कोई समय फिक्स नहीं होता है और उसका इतना सिंपल मेथड है कि कोई भी एल्गी अगर किसी तरह से अपने प्लांट बॉडी से अलग डिटैच उसका कोई पार्ट हो जाता है या किसी तरह से एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है प्रोटोप्लाज्म में डिवीजन के बिना ही, तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। या उसमें कोई एक्सेसरी ऑर्गन्स बन जाते हैं जो कि प्लांट बॉडी से अलग होके फिर से नया प्लांट बना देते हैं, तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी एसेक्सुअल, जैसे नाम से पता चल रहा है ए इसमें लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी दो सेल फ्यूज नहीं करती है, दो सेल से मिलके ये रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि इसमें कोई भी सेल का एक वो सेल ही या पूरे फिलामेंट, अगर प्लांट बॉडी फिलामेंट के फॉर्म में है तो कई सारी सेल या कुछ स्पेसिफिक सेल पार्टिसिपेट करती हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करता है और वो नई तरह के स्पोर्स बनाती हैं। उस मेथड को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसमें कोई भी मियोसिस नहीं होती है, बल्कि प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होके कई सारे पार्ट्स में उसका डिविजन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है जो कि एल्गी में तब देखने को मिलता है जब एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं। फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो एल्गी हमेशा
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता रहेगा। और ये इसका भी रीजन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या फायदे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एल्गी को या इन प्लांट्स को ये फायदा है कि इससे नंबर ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स बहुत ज्यादा बनते हैं, और उन नंबर ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स के बहुत ज्यादा बढ़ने से अगर उसमें किसी वजह से सारे के सारे फंक्शनल नहीं भी हो पाए, सबके सब अगर नया प्लांट नहीं बना सके, तो भी प्लांट का नंबर इंक्रीज होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने ज्यादा प्लांट्स नहीं बन सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा कॉमन है और फेवरेबल कंडीशंस में एल्गी में होता है। तीसरा जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तभी एल्गी में होता है जब एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं। अनफेवरेबल से मतलब है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस में ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, पानी की शॉर्टेज हो गई, जब उनकी ग्रोथ के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसके लिए एक रीजन ये भी है कि एक सेल में इतना विगर नहीं होता है कि वो अपने आप से रिप्रोडक्शन कर सके, उसको हमेशा एक और सेल की जरूरत होती है ताकि दो सेल्स मिलके फ्यूज करके एक नया प्लांट बना सके। और ये हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन माना जाता है, और वो कई हायर एल्गी में दिखाई पड़ता है। लोअर एल्गी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये भी कई तरह का है। द मोस्ट कॉमन इसमें जो है दैट इज बाय फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड है फिशन, फ्रेगमेंटेशन और फिशन बहुत कॉमन मेथड्स रिप्रोडक्शन के हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि जनरली फ्रेगमेंटेशन का मेथड आप फिलामेंटस एल्गी, हमने इनकी हैबिट के बारे में पढ़ा था कि कई एल्गी फिलामेंट फॉर्म में होती हैं, जैसे स्पायर वगैरह है, उडोगोनियम है, प्लांट बॉडी फिलामेंट के फॉर्म में है। अगर ये फिलामेंट किसी वजह से, कोई एक्सटर्नल इंजरी की वजह से या तेज हवा चलने की वजह से या किसी और पानी की करंट से ये फिलामेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड अगर हो गया, किसी वजह से ये पार्ट इसका उस बाकी फिलामेंट से अलग हो गया, तो इसमें ये कैपेसिटी होती है इट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये नेचर में होता रहता है इस तरह का। ये एक फिलामेंट कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो वो हर पार्ट उसका फिर से उसमें कैपेसिटी होती है कि वो नया प्लांट बना दे। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ प्लांट्स में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड कहलाता है। दूसरा मेथड है फिशन। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी हैं जिसमें फिशन का मेथड से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट, और उनमें ये जनरली होता है जिसमें प्लांट बॉडी एक सेल के फॉर्म में होती है, यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी है, उसमें ये फिशन का मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। कई बार क्या होता है कि ये यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी जो है ये इलोंगेट कर जाती है, इलोंगेशन इसमें शुरू हो जाता है, और इलोंगेट करने के बाद थर्ड स्टेज में इसमें कंस्ट्रक्शन डेवलप होता है, नॉच डेवलप हो जाती है, कंस्ट्रक्शन डेवलप होता है, धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्शन और डेवलप करता है, और ये जो सेल है ये दो सेल्स में डिवाइड करती है। इसी के साथ साथ जो इसमें न्यूक्लियर मटेरियल है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इलोंगेट होता है, और एक पार्ट इसका इस सेल में, एक पार्ट इसका इस सेल में रह जाता है। फाइनली जो दो सेल्स बनती हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, और एक सेल से दो सेल्स बन जाती हैं, और इनका न्यूक्लियस भी उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फिशन, और एक एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई। तो ये दो मेथड्स तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा हम कई सारे मेथड्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एल्गी में देखते हैं। कुछ उसमें से मेथड्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक ग्रुप्स में मिलते हैं, एल्गी के हर ग्रुप में वो मेथड्स नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको। अभी हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसा ग्रुप है, साइनोफाइटा जो ग्रुप है उसमें कई मेथड्स ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक फिशन से उसमें रिप्रोडक्शन होता है।
क्लोरोफाइसी के ज्यादातर मेंबर्स में जो फिलामेंटस हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन से होता है। उसके अलावा हम ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में देखेंगे, उसमें कई मेथड्स ऐसे हैं जैसे फोर्थ हेटरोसिस्ट, ये भी एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। ये मेथड भी है और इसके बारे में कंट्रोवर्सी भी है। हेटरोसिस्ट उन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में, ये भी फिलामेंटस एल्गी है, लेकिन कई कई बार इन फिलामेंटस एल्गी में बीच बीच में हमें देखने को मिलता है कि कुछ स्पेशल सेल्स इसमें होती हैं जो कि बाकी सेल्स से साइज में बड़ी होती हैं। अगर ये फिलामेंट है इसमें इस तरह की सेल्स डेवलप हो जाती हैं जो कि बाकी सेल्स जो हैं इनसे साइज में बड़ी होंगी। और ये एक साइट है, ये एक वाला पार्ट है जहां से ये एल्गा का फिलामेंट ब्रेक करता है, ये इस जगह से ब्रेक करता है और ये हेटरोसिस टर्मिनेट करके फिर से नया प्लांट बना देती है। तो ये हेटरोसिस का फंक्शन एक रिप्रोडक्शन के अलावा और भी फंक्शन है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है, लेकिन यहां पर हम रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो हेटरोसिस का रोल रिप्रोडक्शन में भी है क्योंकि फिलामेंट इस पार्ट से ब्रेक होता है और ये हेटरोसिस्ट नया प्लांट बना देती है। तो ये भी एक मेथड रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एल्गी में दिखाई पड़ता है। कुछ एल्गी में आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे जिनको हम बल्बिल्स कहते हैं। ये एक एल्गा है जो कि जिसको कैरा की हमने बात की थी पिछले बार कि इसकी हैबिट इस तरह की है, इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। अगर इस एल्गा में हम देखें तो ज्यादातर इस एल्गा में बहुत फ्रीक्वेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये इसका नोड पार्ट है, ये वाला नोडल पार्ट है, ये इंटर नोड है, इससे लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि इस नोडल पार्ट में कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, ये एक्स्ट्रा आउटग्रोथ्स डेवलप हो जाती हैं जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड व्हेन दे मैच्योर दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से ये अलग हो गए और ये जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाते हैं। तो इसको हम पांचवा मेथड है बल्बिल्स, इनको हम बोलते हैं बल्बिल्स। तो पांचवा मेथड है बल्बिल्स। बल्बिल्स के अलावा जैसे आपने देखा कि इसमें एरियल पार्ट में बल्बिल्स डेवलप होते हैं, अगर इसमें राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसको होल्ड करते हैं सबस्ट्रेटम में, इसकी टिप में कई बार पूरा एरियल पार्ट डिसअपियर हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, क्योंकि एनवायरमेंट की कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो होता क्या है कि ये प्लांट अपने को सर्वाइव करता है। कैसे सर्वाइव करता है? जो मड में इसका पार्ट रह जाता है, अटैच रहता है, उसके टिप में सारा फूड, रिजर्व फूड मटेरियल आके इधर इकट्ठा हो जाता है। और ये जो जैसे आपने बिगोनिया या हायर प्लांट्स के केस में आपने बल्ब्स देखे हैं, उसी तरह से ये ट्यूबर्स इसमें डेवलप हो जाते हैं। ये ट्यूबर्स के फॉर्म में ये अपने को जिंदा रखता है अनफेवरेबल कंडीशन में, इवन इफ द एरियल पार्ट इज नॉट देयर। एरियल पार्ट सर्वाइव नहीं करता है, लेकिन प्लांट फेवरेबल कंडीशंस के वेट करने के लिए इस ट्यूबर के फॉर्म में रहता है। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दीज ट्यूबर्स दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो बल्बिल्स के अलावा एक और मेथड ट्यूबर्स का है। फिर इसी कैरा का प्लांट का एग्जाम्पल हम लेंगे क्योंकि ट्यूबर्स भी इसी में दिखाई पड़ते हैं, बल्बिल्स भी इसमें दिखाई पड़ते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है कैरा का प्लांट जिसमें हमें ये सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें इसी प्लांट को अगर हम देखेंगे, कभी कभी बल्बिल्स या ट्यूबर्स के अलावा स्टार शेप्ड बॉडीज भी हमें देखने को मिलती हैं नोड्स पर लगी हुई। इन नोड्स पर कभी कभी डेवलप हो जाती है इस तरह की स्टार शेप्ड बॉडीज। ये स्टार शेप्ड बॉडीज डेवलप हो जाती है एंड दे आर ऑल्सो फिल्ड विद लॉट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल जिनको हम कहते हैं एमाइलम स्टार्स।
ये नाम इनको क्यों दिया है, क्योंकि दे आर स्टार लाइक, दैट्स व्हाई द नेम स्टार इज देयर. एमाइलम नाम इसलिए दिया है बिकॉज दे आर फिल्ड विद अ काइंड ऑफ स्टार्च नोन एज एमाइलम स्टार्च. तो दे आर फिल्ड विद एमाइलम स्टार्च एंड आर स्टार शेप्ड, हेंस द नेम एमाइलम स्टार्स. तो दिस इज अनदर मेथड, सेवेंथ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एमाइलम स्टार्स. एंड दिस, ये तीनों का एग्जाम्पल आप कैरा का प्लांट दे सकते हैं जो कैरोफाइसी को बिलोंग करता है. इसमें इतने तरह का रिप्रोडक्शन है. इसके अलावा इसी जीनस में एक और मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव मेथड से. इसमें नोड के पार्ट से ही कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलनी शुरू होती हैं. कभी कभी इस तरह की एक्स्ट्रा ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं एंड दीज एक्स्ट्रा ब्रांचेस आर कॉल्ड एडवेंटिशियस ब्रांचेस. एडवेंटिशियस ब्रांचेस मीन्स एक्सेसरी ब्रांचेस. नॉर्मल प्लांट में जो ब्रांचेस हैं उसके अलावा एक्सेसरी ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं एंड द रोल ऑफ दीज ब्रांचेस इज टू गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. पेरेंट प्लांट से अलग हो गई एंड फिर से ये इंडिपेंडेंट नया एक प्लांट बना देती है. तो इन ये सारे मेथड्स को देख के हमें क्या लगता है कि एल्गी के केस में लाइफ साइकिल के किसी भी फेज में, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फेज में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, किसी भी समय में किसी भी समय ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं और इस तरह से प्लांट का नंबर बढ़ता रहता है. तो कोई भी मेथड्स जिसकी वजह से प्लांट का नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उनके परपिचुएशन हो रहा है, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे, जिसके अंदर कोई भी मियोसिस या माइटोसिस नहीं हो रही है, प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, बल्कि एक्सेसरी पिगमेंट्स या फ्रेगमेंटेशन या फिशन के फॉर्म में इनका नंबर बढ़ रहा है, उसके थ्रू इनका नंबर बढ़ रहा है. तो ये मेथड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के. इसके बाद जो उससे थोड़ा एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा मैंने पहले कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई दो गैमीट्स नहीं बनते हैं, कोई ऐसे गैमीट्स नहीं बनते हैं जो आपस में फ्यूज करें, लेकिन इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो प्रोटोप्लाज्म के डिवीजन से स्पोर्स बनते हैं और ये बहुत नेचर में सबसे ज्यादा कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में है, जो कि जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल रहेंगी. एल्गी के केस में आपको मालूम है कि रेनी सीजन या जहां पर मॉइस्चर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तभी वो एल्गी फ्लरिश करती हैं. तो जाहिर है जिस समय एल्गी फ्लरिश कर रही है इनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल रहा है, प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिल रही है और वाटर की अबंडेंस है, तो उस जगह उस समय एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल मानी जाएंगी और उस टाइम ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. तो ये याद रखने की बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस और ये सबसे ज्यादा कॉमन एल्गी में है. इसके होने की वजह से एल्गी आप देखते हैं बरसात के दिनों में, अगर आप जाएं तो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा काई जमी हुई होती है या बहुत ज्यादा एल्गी की ग्रोथ हुई रहती है. कई बार आपके घरों में भी आपको साफ करना पड़ता है. वो क्यों? क्योंकि उस समय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा उसमें होता है और उसका नंबर इंक्रीज होता रहता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह से है. इसका पहला मेथड है बाय जू स्पोर्स. दूसरा है बाय एप्लिनोस्पोर्स. थर्ड है बाय हिप्नोस्पोर्स. फोर्थ है बाय एकाइनिड्स. फिफ्थ है पामिनल स्टेज. देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑटोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स,
डॉटर कॉलोनीज many methods of asexual reproduction and the most common method of reproduction is zoospores. ये जो यहाँ पर लिखे हैं monospores, carpospores, tetraspores, some of these spores are specific to certain algae. किसी particular algae में ही आपको monospores, carpospores या tetraspores दिखाई पड़ेंगे और किसी particular algae में ही आपको daughter colonies दिखाई पड़ेंगी. इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसा नहीं है कि डॉटर कॉलोनीज हर एल्गी में आपको दिखाई पड़े, लेकिन जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ एल्गी में जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स जो शुरू में लिखे हैं, ये मेथड्स बहुत ज्यादा कॉमन है. ये इनको इसलिए लिखा है क्योंकि एल्गी के अंदर किसी ना किसी ग्रुप में ये भी मेथड्स हैं जिसमें कि आपको सिर्फ डॉटर कॉलोनीज से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. जैसे कि कॉलोनियल एल्गी. कॉलोनियल एल्गी आपको मालूम है कि ऐसी कॉलोनी है, ऐसी एल्गी है जिसमें प्लांट बॉडी एक कॉलोनी के फॉर्म में होती है. हमने पिछले बार डिस्कस किया था. ऐसी जो स्पेशलाइज्ड हैबिट शो करती है कुछ एल्गी, जो कि हायर एल्गी जिनको हम कह रहे हैं रोडोफाइसी के मेंबर्स, उनमें मोनोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स मिलते हैं, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ एल्गी में ही इस तरह के स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट है जूस्पोर्स. Zoospores, as the name indicates, zoo means motile. Motile का मतलब है कि जब spores ऐसे spores बनेंगे जिनमें flagella होंगे. तो होता क्या है कि अगर हम Chlamydomonas जो simplest alga है उसका example दें, तो वो Chlamydomonas क्या है कि एक cell के form में Chlamydomonas का plant body होती है, सिर्फ एक cell के form में होती है, और यही cell participate करती है asexual या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इसके साथ साथ कुछ एल्गी ऐसी हैं जो कि फिलामेंटस एल्गी हैं. प्लांट बॉडी फिलामेंट के फॉर्म में है और ये एक फिलामेंट में कई सारी सेल्स हैं. ये एक सेल नहीं बल्कि कई सारी सेल. तो इनमें क्या होता है, जैसे इस केस में तो यही सेल पार्टिसिपेट करेगी रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन फिलामेंटस एल्गी में ऑल द सेल्स एक्सेप्ट द बेसल सेल. जो बेसल सेल है जो कि होल्ड फास्ट का काम करती है, जो इसको अटैच करने का काम करती है, उसके अलावा सारी की सारी सेल्स भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है. या कुछ एल्गी में एक्सेप्शनल बात है कि सारी की सारी सेल्स नहीं बल्कि कुछ स्पेसिफिक सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. वो कन्वर्ट हो जाती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में और वो एक्ट करती है ज़ूस्पोरेंजिया की तरह से. अगर हम इस एल्गा का एग्जाम्पल लें, कोई फिलामेंटस एल्गा, उडोगोनियम का एग्जाम्पल लें. ये फिलामेंटस एल्गा उडोगोनियम है जो कि आपके सिलेबस में, यहाँ बीएससी के सिलेबस में होगा और बहुत कॉमन एल्गा है, इस एरिया में बहुत मिलता है. तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसमें जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सेल्स पार्टिसिपेट करें रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि सिर्फ सपोज ये सेल पार्टिसिपेट करेगी तो ये सेल में थोड़े से चेंजेस शुरू हो जाते हैं. चेंजेस क्या होते हैं कि ये सेल साइज में थोड़ी बड़ी होने लगती है. सपोज इस सेल में हो रहा है तो ये सेल इट स्वेल्स अप, थोड़ा सा इसमें स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी. इस तरह से स्वेलिंग डेवलप होती है और इसका जो सेल कंटेंट का मतलब क्या है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा. ये सेल कंटेंट काफी प्रोमिनेंट हो जाता है और साथ में ये न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड करता है माइटोटिकली. माइटोटिक डिवीजन आप लोग जानते हैं कि माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर वही रहता है. ये 4 के मल्टीपल में इसमें डिवीजन होता है. एक सेल 4 में डिवाइड करेगी, 4 से फिर 8 में डिवाइड करेगी, 8 से 16 में डिवाइड करेगी, 32, 64 एंड सो ऑन. तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होने से ये 4 के मल्टीपल में डिवाइड करता रहता है न्यूक्लियस और उतने इसमें चैम्बर्स बन जाते हैं. प्रोटोप्लाज्म भी उतने पार्ट्स में डिवाइड होता है इस तरह से. और
इसके कंट्रास्ट में अगर हम यूनिसेलुलर एल्गी को देखें, फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास को देखें, क्लैमाइडोमोनास सिंगल सेल के फॉर्म में एल्गा है, इसमें ये पूरा सेल ही कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। तो जो पार्ट कन्वर्ट हो रहा है, जैसे इसमें यही सेल कन्वर्ट हो गया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, इसको हम अब वेजिटेटिव सेल न कह के इसका सेल कंटेंट इट रिसीड्स फ्रॉम द सेल वॉल, रिसीड्स का मतलब है सेल वॉल से थोड़ा हट जाता है, न्यूक्लियस इसका प्रोमिनेंट हो जाता है एंड दिस पार्ट इज नोन एज अ ज़ूस्पोरेंजियम, इसको हम कहने लगते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। यहां पर इस वाली एल्गी में, फिलामेंटस एल्गी में, अगर इसकी ये इसके अंदर ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ज़ूस्पोरेंजियम, इसको हम ज़ूस्पोरेंजियम कहने लगेंगे। तो कोई भी फिलामेंटस एल्गी हमने उडोगोनियम का नाम दिया, इसी तरह से यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, कई सारी ऐसी एल्गी हैं जिसमें कोई भी सेल पार्टिसिपेट करेगा एंड इट विल एक्ट एज ज़ूस्पोरेंजियम। एंड इनसाइड द ज़ूस्पोरेंजियम, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो फिलामेंटस एल्गा हो, जो भी सेल ज़ूस्पोरेंजियम का काम करता है उसके अंदर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। चेंजेस में क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म गेट्स डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ पार्ट्स, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल सेप्टा इसमें हो जाएंगे। सिमिलरली द न्यूक्लियस आल्सो डिवाइड्स माइटोटिकली इन द मल्टीपल ऑफ 4 एंड इट डिपेंड्स किस एल्गा की आप के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी में सिर्फ 4 ही ज़ूस्पोर्स बनते हैं, किसी किसी केस में हमें 8 ज़ूस्पोर्स बनते हैं, किसी में 64 तक भी ज़ूस्पोर्स बनते हैं, या 64 के भी और मल्टीपल करके 100 एंड समथिंग और भी ज्यादा ज़ूस्पोर्स बनते हैं। जितने ज्यादा डिवीजन होते हैं उतने ज्यादा ज़ूस्पोर्स बन गए। तो अगर ये इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ, 4 ही ज़ूस्पोर्स बने, तो हमेशा ज़ूस्पोर्स साइज में बड़े होंगे कंपेयर टू 64 ज़ूस्पोर्स। अगर इसमें फर्दर फिर डिवीजन हो गया तो इसके अंदर जो ज़ूस्पोर्स बनेंगे वो जितने ज्यादा डिवीजन होंगे उतने ज्यादा छोटे स्पोर्स बनेंगे। वो छोटे स्पोर्स कैसे बने, प्रोटोप्लाज्म में डिवीजन हुआ एंड न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन हुआ, जितने चैम्बर्स में ये डिवाइड हुआ हर चैम्बर में न्यूक्लियस का पार्ट चला जाता है एंड इट बिकम्स अ सोलन स्ट्रक्चर, सूजा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। और उडोगोनियम की सबसे खास बात यह है कि इसके केस में जो ये ज़ूस्पोरेंजियम है, ये सोलन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है एक सिंगल ज़ूस्पोर में, इट डजंट डिवाइड। तो ये एक्सेप्शन है, अगर आप अलग अलग इंडिविजुअल एल्गी को देखेंगे, किसी में तो आप देख रहे हैं 4 ज़ूस्पोर बन रहे हैं, किसी में आप देख रहे हैं 64 ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं, किसी में एक ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर एक ज़ूस्पोर बनता है, और ये ज़ूस्पोर का शेप साइज भी अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरह का होता है। जनरली ये ओवल ज़ूस्पोर्स होते हैं, इस तरह के ज़ूस्पोर्स होते हैं, और जिसमें 2 फ्लैजेला हैं या 4 फ्लैजेला हैं या मल्टी फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर है। उडोगोनियम के केस में आप देखेंगे एक ज़ूस्पोर बना, इसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ, ये पूरा सेल कंटेंट ही इलोंगेटेड हो गया, सेल वॉल से अलग हो गया, और इसका इस पार्ट से जो सेल कंटेंट है वो नीचे की तरफ आ जाता है, एक यहाँ पर हाईलाइन एरिया, हाईलाइन मीन्स विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म, ये एरिया डेवलप हो जाता है, इसके नीचे इसमें फ्लैजेला डेवलप हो जाते। तो दिस सेल विच इज कन्वर्टेड इन टू ए स्ट्रक्चर विच बियर्स ओनली 1 ज़ूस्पोर एंड दिस 1 ज़ूस्पोर हैज सेवरल फ्लैजेला, 1 न्यूक्लियस, दैट मीन्स यूनि न्यूक्लिएट मल्टी फ्लैजेलेट इन केस ऑफ उडोगोनियम। इन केस ऑफ क्लैमाइडोमोनास जिसमें यूनिसेलुलर एल्गा है, इसमें अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर ऑफ ज़ूस्पोर्स बनते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से दैट इन एल्गी, डिफरेंट एल्गी शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ देयर ज़ूस्पोर्स बट दे आर ऑलवेज फ्लैजेलेट, उनमें हमेशा फ्लैजेला होंगे, या तो 2 फ्लैजेला होंगे या किसी किसी केस में ज़ूस्पोर्स बने तो ये 4 फ्लैजेला डेवलप हो गए। जैसे यूलोथ्रिक्स एक एल्गा है, उसमें 4 क्वाड्र फ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स होते हैं, क्लैमाइडोमोनास में बाई फ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स होते हैं एंड उडोगोनियम में मल्टी फ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स होते हैं। सो डिफरेंट एल्गी शो द ज़ूस्पोरेंजिया विच
either bear 2 zoospores, 4 zoospores, 64 zoospores or even 1 zoospore. You will come to know when you go through their individual study, you will know how these zoospores look like, what is their shape and how many flagella are there. तो ये multi-flagellate structure Udogonium का है. अब ये बाहर कैसे निकलते हैं? जब ये इस zoosporangium के अंदर ये इस तरह का structure develop हो गया, when they become mature, if they are produced in this filament, इस वाले structure के अंदर produce हुए हैं, ये एक zoospore बन गया, it exerts a pressure, अंदर से mature होने में size में बड़ा हो जाता है, ये it exerts a pressure and this part opens up. ये वाला portion जो है ये इस तरह से open हो जाता है, यहाँ से open हो जाएगा और ये जो zoospore है ये यहाँ से liberate बाहर की तरफ आ जाता है. Similarly in case of this Chlamydomonas, all these zoospores which are produced inside this cell, which is now known as zoosporangium, these zoospores, they produce a pressure and the wall bursts and all these zoospores, they come out. Now you know if 64 zoospores are produced, suppose 64 bane hain, jo ki possible hai, to 64 zoospores bahar aake, they grow and they develop into new cell of Chlamydomonas. Similarly, if there are filaments, yahan par ek zoosporangium ye hai, same development iske andar hua, same development iske andar hua, even if one zoospore is produced, at least 4 cell ne agar 4 zoospores banaye to 4 naye plants ban gaye. To kehne ka matlab ye hai ki zoospores are always produced inside the zoosporangia. They are produced during favorable conditions, they are mature, when they mature they exert a pressure, they come out and they give rise to new plant, and they are always motile. That's why the name zoospores. तो ये तो आपने इसका method देखा, अब इसका method इतना explain करने की जरूरत नहीं है second वाले में, aplanospores. हमने zoospores के बनने का method देखा यहाँ पे, उसी तरह से aplanospores दूसरे तरह के spores हैं जो कभी कभी अचानक zoospore से reproduction हो रहा है एंगी में. Conditions बिल्कुल favorable हैं, एल्गा बहुत अच्छा grow कर रहा है and it reproduces by means of zoospores. But all of a sudden the weather conditions change. कई बार ऐसा होता है environmental conditions अचानक खराब हो जाती हैं, अचानक dry weather हो जाता है, बहुत दिन तक बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, या humidity बढ़ जाती है, या humidity कम हो जाती है, या temperature बढ़ जाता है, तो all of a sudden अगर environmental conditions change हो जाती हैं, तो alga भी अपना method of reproduction change कर देता है. तो instead of producing zoospores, it starts producing aplanospores. Aplanospores, they don't have flagella, they are just like zoospores, उसी तरह से होते हैं, लेकिन वो flagella develop नहीं करते. Flagella के होने से क्या फायदा है? अगर flagella है बाहर निकलने के बाद, ये flagella वाले zoospores बाहर निकल आए, तो ये water में swim करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं and they spread the plants in different places. एक बूंद अगर पानी की है तो उनके लिए ocean की तरह से है. They are so small and they move with water currents with the help of these flagella and reach from one place to other and they perpetuate the species in some other parts. But these aplanospores, they are similar to zoospores. The only difference is that in aplanospores, flagella are lacking. तो वो उसमें flagella absent होते हैं. वो बाकी बिल्कुल zoospores की तरह से उनका shape और size है. तो कभी-कभी algae flagella develop नहीं करती है और aplanospores बनाती है. उनका method of formation बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि zoospores का है. Third method है hypnospores. Hypnospores are another type of spores which are similar to aplanospores. They are non-motile, they don't have flagella, but their wall is, if this is aplanospore without flagella, the hypnospores would be like this. They have very thick wall. So, thick wall ka develop hona algae mein ye show karta hai,
कि एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई हैं ऑल ऑफ अ सडन. मैंने आपको बताया कि अगर जूस्पोर से फॉर्मेशन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और अचानक एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई, तो ये अपने को दूसरे मेथड से रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है. इट डेवलप्स थिक वॉल अराउंड इट्स स्पोर्स एंड दे आर नॉट कॉल्ड जूस्पोर्स नाउ. व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव फ्लैजेला एंड दे हैव, सिंस दे हैव, दे डेवलप थिक वॉल अराउंड देम, दे आर कॉल्ड हिप्नोस्पोर्स. थिक वॉल से क्या फायदा हो गया इसको? थिक वॉल से इनको ये फायदा है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस का असर इनके प्रोटोप्लाज्म, जो इसकी लाइफ लाइन है, प्रोटोप्लाज्म हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा प्लाज्मा है या हमारा ब्लड है वो हमारी लाइफ लाइन है, उसी तरह से इनका जो प्रोटोप्लाज्म है ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस का असर इनके प्रोटोप्लाज्म में ना हो, इसलिए ये थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं एंड आर कॉल्ड हिप्नोस्पोर्स. सो सर्टेन एल्गी दे हैव zoospores, other algae they have aplanospores, and those algae which reproduce by zoospores they can reproduce by hypnospores depending upon environmental conditions. अगर environmental conditions खत्म खराब हो गई तो वो zoospores के बदले hypnospores बनाने शुरू कर देता है और उनके method of reproduction वही है. उनका 4 से लेके 8, 8 से 16, 32 कई सारे. And now next method is echinids. Echinid is another method of reproduction, जिसमें कि कुछ algae में क्या होता है, all of a sudden environmental conditions खराब हो गई, तो this is alga, the best example is Vaucaria, which is a siphonous alga. इसमें siphon की तरह से plant body होती है, लेकिन environmental conditions unfavorable होने की वजह से इसका जो फिलामेंट है ये छोटे छोटे थिक वॉल्ड सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है. दीज थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स विच डेवलप इन दिस साइफन लाइक प्लांट बॉडी, दीज आर फिल्ड विद लॉट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एकाइनिड्स. ये पूरा फिलामेंट ही डिवाइड हो गया कई सारी थिक वॉल्ड बॉडीज में और ये थिक वॉल्ड बॉडीज एक दूसरे से अलग होती है, बाहर निकल के ये हर बॉडी एक नया प्लांट बना देती है. So these are called echinids. तो ये siphonous algae में generally echinids मिलते हैं during unfavorable conditions. Next is Pamela stage. Pamela stage is one stage of certain algae. For example, Chlamydomonas. When all of a sudden environmental conditions change, some members of unicellular algae, for example, Chlamydomonas, what they do? Just to protect themselves from unfavorable conditions, इनके cell wall it gelatinizes. Gelatinizes का मतलब है कि ये mucilaginous substance secrete करती है. इस तरह से cell wall अलग हो गई और ये mucilaginous substance इसने secrete करा और जो nucleus है और protoplasm है छोटे छोटे parts में अंदर divide हो जाएगा इस तरह से, और which remains suspended in this mucilaginous matrix. म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स कहां से आया? सेल वॉल ने सिक्रीट करा और म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो ये देखने में बड़ा अच्छी स्टेज लगती है. म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स सस्पेंडेड रहते हैं और इस स्टेज में ये दूसरे एल्गा से रिजेंबल करता है जिसका नाम है पामेला. सो दिस इज कॉल्ड पामेला स्टेज विच इज ए टेम्पररी फेज. हम इसको रिप्रोडक्शन की स्टेज क्यों कहते हैं? फिर इसलिए कहते हैं कि ये एक एल्गा के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, इससे कई सारे इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स बन गई और ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दीज जिलेटिनस सब्सटेंस जो है ये डिसअपीयर हो जाता है, ड्राई हो जाता है. ईच स्मॉल पार्ट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट. सो इट इज द नंबर इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेथड ऑफ reproduction. Now autospores and exospores, these two are two different methods of asexual reproduction. Autospores in certain algae, in blue green algae, some of the blue green algae, you will see these spores which are similar to their parents. This is a chlorella, this is an alga called chlorella, unicellular alga. Sometimes
inside this cell, there are the protoplasm gets divided into a number of small units which are exactly similar to their parents, लेकिन सिर्फ साइज में छोटे होते हैं. तो उनको हम ऑटोस्पोर्स इसलिए कह रहे हैं कि वो जूस्पोर्स की तरह नहीं बनते या एप्लेनोस्पोर्स की तरह शेप उनका फर्क नहीं होता. शेप उनका बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह से ही होता है, लेकिन वो छोटी छोटी यूनिट्स में प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है. तो ये क्योंकि वो देखने में बिल्कुल पेरेंट्स की तरह से होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और जब ये दे एक्सर्ट ए प्रेशर द वॉल बस्ट्स एंड दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दे कम आउट एंड दे ग्रो इन साइज एंड एक्ट एज द मैच्योर सेल्स. सो सिंस दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोस्पोर्स. एक्सोस्पोर्स हम कह रहे हैं कुछ एल्गी में ऐसा है कि फिलामेंटस एल्गी हैं, इनका जो सेल कंटेंट है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड एक के बाद एक डिवाइड होने लगता है एंड दीज स्मॉलर यूनिट्स दे कम आउट वन आफ्टर द अदर, बाहर निकलती चली जाती हैं, एक निकला उसके बाद दूसरा बाहर निकल गया. तो इस तरह की रिप्रोडक्शन जो है प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होके एक के बाद एक बाहर निकलता चला जाता है. इसका एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी केमीसाइफन है, केमीसाइफन जिसमें कि एक्सोस्पोर्स, एक्सोस्पोर को क्यों कह रहे हैं क्योंकि दे आर लिबरेटेड वन आफ्टर द अदर इन सर्टेन एल्गी, सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं. नाउ एंडोस्पोर्स इफ दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड, अगर किसी सेल के अंदर सेल कंटेंट डिवाइड हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में और ये पेरेंट्स की तरह देखने में नहीं है, हम अगर ये पेरेंट्स की तरह देखने में है तो हमने इनको ऑटोस्पोर्स कहा. अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये जो सेल्स हैं ये पेरेंट्स की तरह देखने में नहीं है लेकिन अंदर ही रहती है, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दे सेल वॉल बर्स्ट एंड दीज स्मॉल यूनिट्स दे कम आउट दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स. तो ये अलग अलग एल्गी में डिफरेंट मेथड्स हैं. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डॉटर कॉलोनीज इन सम कॉलोनियल एल्गी लाइक वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यू विल सी दैट इन वॉलवॉक्स व्हाट हैपन्स, पिछले बार हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि एक कॉलोनी है, इट कंसिस्ट ऑफ 60,000 to 60,000 सेल्स, ये मिलके एक एल्गा बनाता है. दिस इज वन एल्गा जो कि कॉलोनी के फॉर्म में रहता है और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर की भी हमने बात की थी कि सर्टेन एल्गी दे हैव सर्टेन फंक्शंस. सो दीज सेल्स हैव सर्टेन फंक्शंस, नॉट एल्गी, द सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन. द सेल्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट, इस पूरा कॉलोनी है इसका पोस्टीरियर पार्ट की सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है और ये एक सेल है यही एक डॉटर कॉलोनी बना लेगी. इसके अंदर जो सेल कंटेंट है ये वाली पोस्टीरियर पार्ट की सेल है, इसको हम लेके देख रहे हैं यहां पर, इसका सेल कंटेंट जो है डिवाइड करके छोटी कॉलोनी एक बना लेता है अंदर और इसका प्रोसेस काफी लंबा है. जब हम वॉलवॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा. कहने का आइडिया ये है कि पीछे वाली जो सेल्स हैं इनके अंदर पेरेंट की तरह से एक कॉलोनी बन जाती है जिनको हम कहते हैं डॉटर कॉलोनी, और ये डॉटर कॉलोनी इसको बस्ट करके बाहर निकलती है, ये पेरेंट की तरह से होती है, साइज में बड़ी हो जाएगी तो ये फिर से नया प्लांट की तरह से एक्ट करने लग जाती है. सो दीज आर कन्फाइंड टू ओनली कॉलोनियल एल्गी, डॉटर कॉलोनी. द सोल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉलोनियल एल्गी इज द प्रोडक्शन ऑफ डॉटर कॉलोनीज. दीज थ्री काइंड ऑफ स्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, मोनोस्पोर्स एंड कार्पोस्पोर्स, दे आर द स्पोर्स विच आर एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड बाई रेड एल्गी. हायर एल्गी जो रेड है उनके अंदर ये मोनोस्पोर्स होते हैं, कार्पोस्पोर्स होते हैं, टेट्रास्पोर्स होते हैं. मोनोस्पोर्स दे आर हैप्लॉइड स्पोर्स, दे आर प्रोड्यूस सिंगली एट द टिप ऑफ एक फिलामेंट की टिप में प्रोड्यूस होते हैं मोनोस्पोर्स, इससे डिटैच हो गए तो फिर से नया प्लांट बना देते हैं. कार्पोस्पोर्स क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके टिप में कार्पोस्पोर्स बनते हैं जो कि डिप्लॉइड स्पोर्स हैं. ये इससे निकल के एक नया प्लांट बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड प्लांट होता है.
थर्ड स्पोर्स है टेट्रा स्पोर्स, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन डिप्लॉइड प्लांट्स इन रेड एल्गी, और ये जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो इसमें रिडक्शन डिविजन हो जाता है जिससे चार स्पोर्स बनते हैं जिनको हम टेट्रा स्पोर्स कह रहे हैं। तो टेट्रा स्पोर्स, मोनोस्पोर्स एंड कार्पोस्पोर्स आर स्पेसिफिकली फाउंड या एक्सक्लूसिवली फाउंड इन रेड एल्गी एंड दे आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्स विच आर नोन एज मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दीज एल्गी। नाउ आफ्टर दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द लास्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो फायदे हैं। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही इनका नंबर बढ़ जा रहा है एल्गी का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फर्स्ट इट गिव्स वैरायटी टू द इंडिविजुअल्स। अगर लगातार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहेगा, एक ही प्लांट रिप्रोड्यूस करता रहेगा, तो जीन्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो जो प्लांट्स बनते हैं उनमें इट गिव्स वैरायटी बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट गिव्स वैरायटी बिकॉज दो तरह के जीन्स का फ्यूजन होता है, इसलिए इट गिव्स वैरायटी टू द ऑफस्प्रिंग्स, पहला फायदा है। दूसरा फायदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यह है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही नंबर इंक्रीज होता रहे जैसा कि जनरली होता है, उससे क्या होगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब प्लांट में ये कैपेसिटी खत्म हो जाएगी कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए। तो इट प्रिवेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिवेंट्स डीजेनरेशन ऑफ ए रेस, एक रेस को डीजेनरेट होने से रोकने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। ये दो बड़े मेजर फायदे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। क्यों होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में? क्योंकि जब कंडीशंस अचानक या एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, जब एल्गी का सीजन खत्म होने लगता है, फिर भी ये रिप्रोड्यूस करती है, नॉट बाय एसेक्सुअल मींस बट बाय सेक्सुअल मेथड्स। एंड सेक्सुअल मेथड्स का मतलब क्या है कि दो सेल्स की जरूरत होती है, दो सेल्स आपस में फ्यूज करती हैं, उससे एक जाइगोट बनता है और नया प्लांट बनता है, और उसके मैंने फायदे आपको बताए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स थ्री स्टेजेस, तीन स्टेजेस होती हैं। पहला है प्लाज्मोगेमी, दूसरा है कैरियोगेमी, एंड थर्ड इज मियोसिस। ये तीन प्रोसेसेस जब कंप्लीट होंगी तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो किसी भी एल्गा में अगर हम एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास कर लें, जो कि सिंपलेस्ट एल्गा है, क्लैमाइडोमोनास इज ए यूनिसेल्युलर एल्गा। इसका एग्जांपल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये यूनिक एल्गा ऐसा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह का होता है, और तीनों स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन इज आइसोगेमस, नंबर टू एनाइसोगेमस, थर्ड इज ओगेमस। तो ये प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, तीनों स्टेजेस जब कंप्लीट होती हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। प्लाज्मोगेमी मींस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, कैरियोगेमी मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड मियोसिस मींस प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गया, न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हैप्लॉइड करने के लिए मियोसिस इसमें होती है। तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस जब तीनों प्रोसेसेस कंप्लीट होती हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो ये तीन प्रोसेसेस हैं और ये तीन तरह का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। आइसोगेमस मींस व्हेन टू गेमेट्स दे कम विद ईच नियर ईच अदर एंड दे फ्यूज एंड दे आर सिमिलर इन साइज एंड शेप, वन एक्ट्स एज मेल अदर एक्ट्स एज फीमेल। इनका बनने का मेथड उसी तरह से है जैसे कि ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ज़ूस्पोर्स एक सेल के अंदर बने, इसको हम गैमेटेंजियम कहेंगे, जिस सेल के अंदर ये बन रहे हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये ज़ूस्पोरेंजियम की तरह से काम करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में इट विल बिहेव एज
gametangia, and the cell content divides into a number of small units, and these cells, they come out and they fuse with each other. And species may be monoecious or dioecious, means एक ही gametangium से निकले हुए gametes आपस में fuse कर सकते हैं या दो different gametangia से निकले हुए gametes एक दूसरे के आसपास आएंगे. जब ये फ्यूज करेंगे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, वन एक्ट्स एज मेल अदर एक्ट्स एज फीमेल. अगर दूसरा फीमेल की तरह से एक्ट करेगा, मॉर्फोलॉजिकली देखने में एक से हैं, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम आइसोगेमस रिप्रोडक्शन कहेंगे. एन आइसोगेमस रिप्रोडक्शन व्हेन वन फ्यूजिंग गेमीट इज लार्जर अदर इज स्मॉलर. द स्मॉलर वन इज द मेल एंड द लार्जर वन इज फीमेल. When they are morphologically dissimilar, physiologically तो dissimilar है ही, देखने से भी ये dissimilar है, तो ऐसे reproduction को हम anisogamous reproduction कहते हैं. Third is oogamous reproduction. Oogamous means female gamete is non-motile, इसमें कोई flagella नहीं होते, male gamete is flagellated, ये oogonium की तरह से act करता है, female structure की तरह से act करता है, and ये male gamete है, ये मेल की तरह से एक्ट करेगा. तो इसको, इस रिप्रोडक्शन को हम ओगेमस रिप्रोडक्शन कहते हैं. जितनी भी एडवांस्ड एल्गी हैं, हायर एल्गी हैं, कॉम्प्लिकेटेड एल्गी हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय ओगेमस मींस, उनमें ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. तो इनका अल्टीमेट फेट क्या होता है, आइसोगेमस हो, एनाइसोगेमस हो या ओगेमस हो, अल्टीमेटली इनके फ्यूजन से प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी होगी और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहते हैं जाइगोट. जाइगोट इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. इट इज ए स्ट्रक्चर विच कैन पेरिनेट, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में इसी तरह से रहता है. ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन द जाइगोट डिवाइड्स रिडक्शनली, मियोसिस इसमें होती है. मियोसिस होने के बाद न्यूक्लियस में रिडक्शन डिविजन होता है और इसके अंदर चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे. ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विद सम प्रोटोप्लाज्म चेंज इनटू फोर जूस्पोर, इनके अंदर फिर जूस्पोर्स बन जाते हैं. और ये जो जूस्पोर्स इसके अंदर बने, चार जूस्पोर्स, ये क्योंकि मियोसिस हो गई है तो ये हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड होने की वजह से ये बाहर निकल आते हैं. कभी कभी चार के बदले फोर के मल्टीपल में भी बनते हैं, 8, 16 एंड सो ऑन. तो बाहर निकल के फिर ये नया प्लांट बना देते हैं. तो इनकी लाइफ साइकिल इस तरह से कंप्लीट होती है. एंड द एग्जांपल इज क्लैमाइडोमोनास. इसकी डिफरेंट स्पीसीज तीनों तरह का रिप्रोडक्शन शो करती हैं, आइसोगेमस भी, एनाइसोगेमस भी, ओगेमस भी. बाकी एल्गी में या तो आइसोगेमस होगा या एनाइसोगेमस होगा, एडवांस एल्गी में हमेशा ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन एल्गी.